मॉर्निंग चिल्ड्रेन होप यू ऑल आर डूंगा ऑफ सोशल साइंस डिजास्टर डिजास्टर का मतलब क्या होता है एक्सीडेंट तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं वॉट इज नैचुरल डिजास्टर क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं रीजन फॉर आक्रंचुरल डिजास्टर्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ नैचुरल डिजास्टर्स प्रिपेरनेस फॉर नेचुरल डिजास्टर्स हम किस तरीके से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के लिए और किस तरीके से वेरियस फॉर्म्स हैं नैचुरल डिजास्टर्स के हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में इस चैप्टर में जानेंगे तो डिजास्टर क्या है डिजास्टर इज अटन हजार और अ कलामिटी विच कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रेक्शन तो डिजास्टर बेसिकली हजार का मतलब डेंजरस और कलामिटी का मतलब विपदा होता है तो डिज़ास्टर बेसिकली एक अचानक से एक डेंजरस या फिर एक ट्रबल सिचुएशन होती है जहाँ पे जिसकी वजह से काफ़ी सारे डैमेज होती हैं डिस्ट्रक्शन होती हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकती है टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी लोगों की ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के घर बार चले जाते हैं और फॉर एग्जांपल साइक्लोन जब आती है तो इसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है बिल्डिंग्स में और क्रॉप्स जो कि uh, ग्रो किए जाते हैं लोगों के द्वारा साइमल्टनीसली सुनामी भी uh, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत की वजह बनती है और जिसकी वजह से बिल्डिंग्स भी uh, बिल्डिंग्स भी डैमेज हो जाते हैं इस तरीके के डिज़ास्टर्स क्या करते हैं कि जो डे टू डे लाइफ होती है उसको कम्प्लीटली बदल के रख देते हैं कम्प्लीटली रोक देते हैं और जो नॉर्मल फूड एंड वाटर सप्लाई होती है वो भी बुरी तरीके से अफेक्टेड होती है जहाँ जहाँ पे ये नेचुरल कलामिटीज़ या नैचुरल डिज़ास्टर्स अफेक्टेड होते हैं शेल्टर्स भी टूट के बिखर जाते हैं और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दुख को फेस करना पड़ता है और और जो नॉर्मल तरीके से एक लाइफ चलती है फंक्शन करती है वो एकदम से थम जाती है अब हम जानेंगे वाई डू नेचुरल डिज़ास्टर्स अकर नैचुरल डिज़ास्टर्स क्यों होते हैं तो नेचुरल डिज़ास्टर्स बेसिकली होते हैं नैचुरली तरीके से और ये बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के यानी कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स uh, होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंडर कंट्रोल में नहीं होते हैं ये बिल्कुल ही नेचुरली होते हैं साइक्लोन्स टोनीडोज़ अर्थक्वेक सुनामी सुनामी वो वोलैनिकरापशनस फ्लड्स लैंड ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिज़ास्टर्स के जो uh, जाने जाते हैं मदर अर्थ को काफ़ी टाइम ये मदर uh, अर्थ में मदर अर्थ को हिट करते हैं यानी कि मदर अर्थ में इन चीज़ों को uh, इन चीज़ों को मदर अर्थ को फ़ेस करना पड़ता है साइमल्टेनियसली ह्यूमन बीइंग्स को भी uh, फेस करना पड़ता है अपने लाइफ स्पैन में यानी कि अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है कभी ना कभी नाउ कैन वी डू एनी थिंग टू स्टॉप और एवॉयड दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या हम कुछ कर सकते हैं इनको रोकने या फिर अवॉइड करने के लिए ये नेचुरल डिज़ास्टर्स को तो आंसर हैं नो द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन वी डू एनी थिंग टू हैंडल दीज डिजास्टर्स डिज़ास्टर्स इन अ मोर इफेक्टिव वे टू रिड्यूज द डैमेज कॉज बाई दीज डिज़ास्टर्स क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हम इन डिज़ास्टर्स uh, को हैंडल करें एक इफ़ेक्टिव एक uh, बेहतर तरीके से और जो भी डैमेजेस होती हैं इन डिज़ास्टर्स की वजह से उनको भी कम कर सके तो आंसर है येस वी कैन डू सो माई बींग प्रिपेयर फॉर सच कलामिटीज़ एंड एक्ट वन द डिज़ास्टर अकर्ज तो आंसर है येस yes. हम कुछ कर सकते हैं uh, किस तरीके से कर सकते हैं हम पहले से प्रपेर्ड रह सकते हैं इन uh, आपदाओं के लिए इन मुसीबत के लिए इन मुसीबतों के लिए और उसी के हिसाब से हम एक्ट कर सकते हैं फंक्शन कर सकते हैं जब ये डिज़ास्टर हो या फिर होते हो उसी टाइम पे उसी अकॉर्डिंगली हम फंक्शन कर सकते हैं अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें तो अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में हम जानेंगे काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स के नेचुरल डिज़ास्टर्स स्ट्राइक करते हैं हमें काफ़ी uh, तरीके के फॉर्म्स में और uh, कुछ इस प्रकार से हैं सबसे पहला अर्थक्वेक्स सेकंड सेकेंड साइक्लोन्स एंड स्टॉम सर्जेस थर्ड फ्लड्स फोर्थ ड्रॉट्स फिफ्थ सुनामी सिक्स वोलकैनिकरापशनस सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या जाना आज हमने जाना सबसे पहले डिज़ास्टर के बारे में तो डिज़ास्टर बेसिकली एक सडन अचानक से एक डेंजरस सिचुएशन होती है या फिर विपदा होती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी दैट इज़ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत होती है और बिल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं और क्रॉप्स भी फार्मर्स के द्वारा जो ग्रो किए जाते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कंडीशन में होती है साइक्लोन की वजह से या फिर डैमेज होते हैं क्रॉप्स ड्यू टू साइक्लोन और इन डिज़ास्टर्स की वजह से जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है या फिर जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चलती है वो कम्प्लीटली एक जगह पे रुक जाती है फिर हमने जाना वाई डू नेचुरल डिज़ास्टर्स आकर नेचुरल डिज़ास्टर्स क्यों आकर करते हैं क्यों होते हैं तो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ़ द नेचुरल अकर नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं क्योंकि ये नेचुरली होते हैं और ये ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं होते हैं फिर हमने जाना वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में नेचुरल डिज़ास्टर्स स्ट्राइक करते हैं यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं काफ़ी सारे फॉर्म्स में जैसे कि अर्थक्वेक्स, क्वेक्स Cyclones and storm surges, floods, droughts, tsunami, volcanic eruptions. So, students, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.